हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। विजय दिवस 16 दिसंबर 2021 को मनाने के संबंध में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के अध्यक्ष कैप्टन हीर सिंह भाटी ने बताया कि भारत के स्मारक इतिहास का सबसे गौरवशाली दिन विजय दिवस 16 दिसंबर 2021 को ठीक 11 बजे शहीद सर्कल सिंदरी चौराहे पर मनाया गया। सबसे पहले सीडीएस जनरल रावत व उनके साथ शहीद हुए साथियों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। उसके बाद इस राष्ट्रीय दिवस पर आर्मी बीएसएफ पुलिस की सम्मिलित गार्ड्स बैंड बिलगर के मधुर धुन पर शहीदों को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। सबसे पहले रितलीक शहीदों को स्टेशन कमांडर जाली ब्रिगेडियर बीएस कानवर ने चढ़ाई। उसके बाद प्रोटोकॉल के अनुसार आर्मी एयरफोर्स बीएसएफ प्रशासनिक अधिकारियों जनप्रतिनिधियों शहीद परिवारों व जागरूक नागरिकों ने चढ़ाई। उसके बाद सन 1944 से लेकर आज तक शहीद हुए शहीदों के परिवारों ने चढ़ाई। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के उपाध्यक्ष कैप्टन खीमा राम चौधरी ने बताया, रितलिंग के बाद प्रोटोकॉल के अनुसार आर्मी एयरफोर्स बीएसएफ पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों जनप्रतिनिधि व जागरूक नागरिकों ने संबोधन किया। संस्था अपक्ष कैप्टन हीर सिंह भाटी ने सैनिकों के विभिन्न समारोह के समय में बताया, स्टेशन कमांडर जालिपा जिलाधीक्ष लोकबंधु पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव व वन पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी जनप्रतिनिधि मेवाराम जैन विधायक बाड़मेर ने सैनिकों के विभिन्न समस्याओं का समाधान का आश्वासन दिया। इस अवसर पर दीप सिंह रगा ने देशभक्ति से ओतप्रोत कविता सुनाई। उसके बाद सन 1944 से लेकर आज तक शहीद हुए व अलकर प्राप्त परिवारों को आर्मी एयरफोर्स बीएसएफ प्रशासनिक अधिकारी व जागरूक नागरिकों द्वारा सम्मानित किया गया। आखिर में संस्था उपाध्यक्ष कैप्टन खीमाराम चौधरी ने आर्मी एयरफोर्स पैरा मिलिट्री फोर्सेस सभी रैंकों प्रशासनिक अधिकारियों जनप्रतिनिधि जागरूक नागरिकों शहीद परिवारों विद्यार्थियों सैनिक परिवारों मीडिया कर्मियों को धन्यवाद देकर प्रोग्राम को समाप्त किया। जागरूक टीवी की बाड़मेर से ठाकुर राम मेघवाल की रिपोर्ट।